नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme Nazo 50A vs OnePlus Nord N20 SE का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Nazo 50A में 6.48 इंच जबकि Nord N20 SE में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Nazo 50A से कम है। विड्थ की बात करें तो Nazo 50A में 2.99 इंच जबकि Nord N20 SE में 2.95 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Nazo 50A से कम है। अब बात करते हैं वेट की तो Nazo 50A में 207 ग्राम जबकि Nord N20 SE में 187 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Nazo 50A में 6.5 इंचेस जबकि Nord N20 SE में 6.56 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Nazo 50A में 81.7% जबकि Nord N20 SE में 84.57% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Nazo 50A में 270 पिक्सल प्रति इंच जबकि Nord N20 SE में 267 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैन कैमरा की तो Nazo 50A में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Nord N20 SE की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Nazo 50A में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Nord N20 SE की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Nazo 50A में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Nord N20 SE में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Nazo 50A में Mali G52 MC2 जबकि Nord N20 SE में Powerwell GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Nazo 50A में MediaTek Helio G85 और Nord N20 SE में MediaTek Helio G35 मिलता है। बात करें RAM की तो Nazo 50A में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4 GB की RAM मिलती है जबकि Nord N20 SE में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4 GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Nazo 50A में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64 GB 128 GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Nord N20 SE में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Nazo 50A में अप टू 256 GB जबकि Nord N20 SE में अप टू 1 TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Nazo 50A में Android V11 जबकि Nord N20 SE में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी Nazo 50A में 6000 mAh जबकि Nord N20 SE में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Nazo 50A में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 11,499 रुपीज
4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 12,499 रुपीस में मिलता है। और बात करें नॉर्ड N20 SE की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 14,990 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Realme Narzo 50A में 4 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें OnePlus Nord N20 SE की तो उसमें 6 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Narzo 50A आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 9 Prime है, दूसरा Oppo A53 2020 है, तीसरा Infinix Hot 10 Play है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 8 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।